नमस्कार मित्रों, ई टीवी लाइव न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित कृष्ण मुरारी शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए, आज हम 14 अक्टूबर 2020 के विषय के बारे में चर्चा करते हैं, अर्थात 14 अक्टूबर का पंचांग क्या रहेगा और मेष आदि द्वादश राशियों के उनके दिन अर्थात किस प्रकार शुभ और अशुभ योग आपके बन रहे हैं, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। पंचांग होता है वो पांच प्रकरण से बनके बनता है, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण, इनसे पंचांग की शुद्धि यहाँ पर बताई गई है। तो आइए चर्चा हम करते हैं। प्रथमतः 14 अक्टूबर 2020 को संवत रहेगा 2077 अर्थात द्वितीय आश्विन कृष्ण पक्ष रहेगा, प्रमादि नाम का संवत्सर है, सूर्य दक्षिणायन में रहेगा, दक्षिण गोल रहेगा और शरद ऋतु रहेगी। आगे आनंदादि योग में सुस्थिर योग रहेगा, द्वादशी तिथि रहेगी, वार रहेगा बुधवार, तिथि की समाप्ति 11:51 पर रहेगी, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र रहेगा जिसका समाप्ति काल रहेगा 8:40 शाम को, शुक्ल पक्ष में शुक्ल योग रहेगा जिसके समाप्ति काल है 2:13 पर, तैतल करण रहेगा जिसका समाप्ति काल रहेगा 11:51 पर, चंद्र का संचरण सिंह राशि में रहेगा और सूर्य का संचरण कन्या राशि में रहेगा। ये तो था पंचांगीय स्थिति। राहु काल रहेगा 12:13 से 1:39 तक। इसी प्रकार दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेंगे, अर्थात वार बुधवार है तो उस दिन दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेंगे। आप उत्तर दिशा की यात्रा को जहाँ तक हो सके उसका त्याग करें, अत्यावश्यक हो तो कुछ कदम दक्षिण की तरफ चल करके उत्तर दिशा की तरफ आप यात्रा करें, आपके लिए ठीक रहेगा। यात्रा करने से पहले तिल का सेवन करें, पिस्ता का सेवन करें अर्थात इलायची का भी सेवन कर सकते हैं, आपकी यात्रा बड़ी शुभ रहेगी। अब बात करते हैं मेष आदि द्वादश राशियों अर्थात किस किस प्रकार से आपको वहाँ पर फल मिलने वाला है। तो सर्वप्रथम मेष राशि, मेष राशि की स्थिति बहुत सामान्य रहेगी अर्थात न अधिक और न कम अर्थात मध्यम आपका समय रहेगा। उग्र स्वभाव को त्यागे अर्थात क्रोध नहीं करें, विवाद की स्थिति हो सकती है, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, ध्यान को भ्रमित नहीं करें और वर्तनी पर ध्यान दें, पेट संबंधी विकार आपके हो सकते हैं, शेष आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि, दृढ़ मनोबल के साथ में कार्य करें, कार्य में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास को त्यागे नहीं अर्थात दृढ़ता और आत्मविश्वास का पालन करते हुए आप ये कार्य अवश्य करें, आपके कार्य में सफलता मिलेगी, कार्य फल पूरा मिलेगा, जितना आप कार्य करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा अर्थात कार्यफल आपको पूरा मिलेगा। रुचि के साथ में कार्य करें अर्थात कोई भी कार्य करना हो उसको रुचि के साथ में करें, धन लाभ भी होगा और मान सम्मान में आपकी वृद्धि भी होगी। अगली राशि मिथुन राशि, मन में नई परियोजनाओं का अर्थात नई व्यापार करने की स्थिति, नया कार्य करने की स्थिति आपके बन रही है, उस परियोजनाओं को सफलता दे, क्रियान्विधि करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सरकारी नौकरी मिलने के आपको चांस हैं अर्थात मेहनत करें, तैयारी करें, आपको सरकारी लाभ भी या नौकरी भी मिल सकती है। आपस में सहयोग के साथ कार्य करेंगे तो आपके व्यापार में कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। विवाद की लघु स्थिति को टालें अर्थात छोटा मोटा कोई विवाद हो तो उसको आप त्याग दें, दूर हो जाएं, उससे आपको लाभ भी होगा, दिन आपके लिए बड़ा ही मंगलकारी रहेगा। कर्क राशि, नकारात्मकता को छोड़ करके सकारात्मक बातों के साथ में आप कार्य करें, दुख व संतोष की स्थिति आपकी बन रही है अर्थात आपको लाभ में मध्यम रहेगा, नेत्र संबंधी विकार की स्थिति यहाँ पर बन रही है, परिवार में कलह की स्थिति है, कोशिश हो तो उस कलह से दूर रहें, आपके कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। विद्यार्थियों के लिए मध्यम रहेगा और अधिक धन खर्च के आपके योग भी बन रहे हैं। सिंह राशि, आत्मविश्वास साथ में कार्य करें, परिवार में
पिता से सम्मान प्राप्त करने की स्थिति यहाँ पर बन रही है, अर्थात आपको यहाँ पर सम्मान मिल सकता है। क्रोध पर ध्यान दे, आपके व्यापार में तरक्की भी होगी। अगली राशि है कन्या राशि। शारीरिक शिथिलता रहेगी, अर्थात स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। कोशिश ये करें भ्रमण नहीं करें, बाहर थोड़ा कम जाएं, अत्यावश्यक होने पर ही बाहर जावे। मित्रों से मनमुटाव का योग भी बनता है, जितना हो सके एकांतवास का प्रयोग करें। धन खर्च होगा और धार्मिक कार्य में भाग लेने की संभावना भी बन रही है। तुला राशि, आपका दिन बड़ा शुभ है, उस दिन आय में वृद्धि होगी। मित्रों से भी धन लाभ का योग बन रहा है, अर्थात पुराना पैसा आने की स्थिति बन रही है। विवाह की स्थिति भी ठीक रहेगी। अगला है वृश्चिक राशि, शुभ फलदायी रहेगा। व्यावसायिक स्थल पर आपका प्रभाव पड़ेगा, अर्थात व्यापार में आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। मान सम्मान मिलेगा, बड़े अधिकारियों से आपको मिलने के योग आपको बन रहे हैं और प्रमोशन भी हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति में आपकी यात्रा के योग हैं, दिन आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। धनुराशि, स्वास्थ्य का पाया नरम रहेगा। आलस्य को त्यागे, परिश्रमी रहे, मेहनत करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। विघ्न को दूर करते हुए कार्य करें, नकारात्मक बातों को छोड़ करके सकारात्मकता के साथ में कार्य करें। आयोजन सोच समझ कर अवश्य करें, विवाद को टालें और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हुए आप कार्य करें। मकर राशि, आकस्मिक धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं, दिन बड़ा शुभ रहेगा आपका। खान पान पर ध्यान रखें, क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, आकस्मिक धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी होगा। कुंभ राशि, प्रवास की स्थिति आपकी बन रही है, अर्थात आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं, पर्यटन का आपका योग बन रहा है। खान पान पर नियंत्रण रखें, स्वादिष्ट भोजन मिलने की आपको संभावना है और भागीदारों से आपको लाभ मिलेगा। वाहन सुख भी मिलेगा, अर्थात नया कोई वाहन आप लाने की योजना बना रहे हैं वो आपकी पूर्ण होगी। मीन राशि, बहुत ही शुभ रहेगी, मनोबल और आत्मविश्वास के साथ में कार्य करोगे, दाम्पत्य जीवन में शांति रहेगी। वाणी पर संयम रखें, अधिक धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं। पीहर पक्ष से भी शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। तो ये थे द्वादश राशियों के, 12 राशियों के गोचर के हिसाब से आपका दिन कैसा रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।